नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग इन चेल और अपन रेडी हैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट कर लिया अपना 7:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ. ऑलमोस्ट सारा होटल खाली है, कोई नहीं उठा है. अपन 5 बजे के उठे हैं, थोड़ा एडिटिंग वर्क किया और अपना काम वाम समेटा, सामान वामान समेटा, काम ख़त्म करके बस अभी तैयारी है. यहाँ का जो मंदिर है, माता रानी का बड़ा भव्य मंदिर है, वहाँ जाने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए. बिकॉज़ अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को मालूम होगा मैं माता रानी में बड़ा बिलीव करती हूँ और पता चला यहाँ एक मंदिर है. सो सोचा कि वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, माता रानी के दर्शन करने चाहिए और आप लोगों को भी कराने चाहिए, मत्था टेक लेना. बस अभी सामान थोड़ा मोटा रहता है वो पैक करके और चलते हैं. ये अपना नहीं है बॉस, ये रात को अडोनो किसी और ने यहाँ ये है, अपन यूज़ नहीं करते चीज़ें, हम हार्ड कोर जिम वाले बंदे हैं. ये कुछ रोटियाँ यहाँ रखी मिली मुझे और एक बंदर है बेचारा, काफ़ी टाइम से द रैपर्स को छान मार रहा है कि कुछ खाने को मिले उसे, तो मैंने सोचा उसको फेंकूँ. अरे तो मेरे को ही घूर रहा है. टेम्पल चलिए दर्शन करते हैं. दर्शन कर लिए भगवान जी के, माता रानी के, गणेश जी के, हनुमान जी के, सभी भगवान थे ऑलमोस्ट यहाँ, और दर्शन कर लिए. अपनी विश मांग ली है, विश वही है जो लास्ट वीडियो में मांगी थी, आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को मालूम होगी क्या विश मांगी होगी मैंने. सो अगर नहीं मालूम तो जाइए पुराने वीडियोज़ देख के, देन स्टार्ट विद दिस वन. वाओ नाइस. व्यू देखिए, हल्की हल्की ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा, सामने ग्रीनरी, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़, इतना भव्य, इतना सुंदर, बिल्कुल वाइट मतलब डायमंड जैसा चमक रहा है ऐसा मंदिर, और ऐसे आप बैठे हो तो सोचे कैसा लगता है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. आई जस्ट फील दिस वन ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जाने का बिल्कुल मन नहीं है, है कि यहाँ लेटे रहें, आ तो नींद भी रही है बट सो नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं है इतना, हैड टू गो. सो इट्स अ डिफिकल्ट गुड बाय टू दिस प्लेस. अभी गाड़ी को भूख लग गई थी तो इसका पेट भरा है, टंकी भरी है इसकी, और अभी अपने को भी लग गई है. आगे जाके कहीं देखते हैं लंच करने या कुछ बढ़िया अगर मिलता है तो खा के आगे के लिए निकलते हैं.
राइट नाउ आई एम ऑन माय वे बैक टू होम. इस ट्रिप का ये लास्ट व्लॉग है एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा. और घर जाने से पहले अपने को रास्ते में पिंजौर गार्डन पड़ता तो सोचा कि बहती गंगा में अपने हाथ धोए जाएँ तो अपना ये गार्डन भी कवर अप कर लिया जाए. मैंने कभी देखा नहीं था पहले, सिर्फ पिक्चर्स देखी थी. तो आज सोचा लाइव मौका मिला है गार्डन देखने का तो ज़रूर देखना चाहिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ गुड डिसीजन कि मैंने प्लान किया कि यहाँ देखूँ मैं. और बाकी बड़ा सुंदर है, बहुत बड़ा गार्डन है. आई मीन कि बहुत बड़ा, लाइक कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक शीश महल और कई महल टाइप चीज़ें. मैंने नाम तो नहीं देखा एग्जैक्ट क्या, क्योंकि मैं देखने में बिजी हो गई थी एंट्री करते ही. और बहुत बढ़िया खूबसूरत पेड़, बिकॉज एज आई एम अ नेचर लवर तो मुझे ग्रीनरी और पेड़ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. और पक्षियों की चहचहाट इतनी प्यारी और इतने डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं. हालांकि तोड़ना अलाउड नहीं, वरना अपन नहीं करता तो तोड़ते ही तोड़ते, बट इट्स फाइन, वी गोना मैनेज. तो आज एक और बड़ी गंदे वाली चीज़ हुई अपने साथ. जब अपन वाटर एक्टिविटी के लिए गए तो अपने शेड्स लगा लिए भाई, हाँ बहुत एंडी बढ़िया वाली एक नंबर की फ़ोटो वीडियो लेंगे वहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के लिए और ये सब. और उस टाइम तक तो लगा लिया, बट जब अपना वो वाटर एक्टिविटी स्टार्ट किया तो शेड्स तो हटाना ही पड़ा. बहुत जब वे भाई अपने दर्दी तार के साइड में है कि चलो ठीक है भाई घर जाने दे, पहले अपने लगा लेंगे और अपने मज़े करें फुल ऑनर. जब बारी आई कि हाँ अब चलो भाई घर चलना है तो देखूँ शेड्स कहाँ हैं, शेड्स कहाँ, शेड्स कहाँ भाई, शेड्स तो हो लिए स्वाद जिसके हाथ पल्ले लगे. पता नहीं क्यों किसके कर्मों में थे अपने, लेकिन कहते हैं ना घर वाले जो जिससे जाए अपने कर्म की नहीं थी. तो पता नहीं भाई किसके हिस्से थी, किसके किस्मत थी, तो जो भी लेगा. बट यार प्लीज़ ना ले जाते, बिकॉज मेरे को वो शेड का कलर बहुत ज़्यादा पसंद था. बट कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं था. अरे वाह ट्राइसेप्स दिख रहे हैं, बट कई दिन से तो वर्कआउट भी नहीं हुआ है, बट कल से स्टार्ट हो जाएगा. कोई बात नहीं, सो फार सो गुड, अपन इसमें भी खुश है. ये चीज़ें भी ज़रूरी है यार, घूमो फिरो ऐश करो मौज लो बढ़िया वाली. भूख लगी थी, डिनर का टाइम हो चुका. जब इस रूट से हो तो डिनर कहाँ हो सकता है, गेस व्हाट, यस नीलकंठ. सो अपना डिनर करके घर पहुँचना है एंड एंड ऑफ द डे विद दैट सेट विद दिस व्लॉग. आई होप यू ऑल जस्ट लाइक दिस व्लॉग. इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट दैट बेल आइकन टू. एट द एंड हमेशा की तरह अपना तो भैया भैया मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो. खोज क्यों नहीं लेते,